अज आप गलबात करांगे चाचा अजीत सिंह जी दे बारे जो कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दे चाचा जी सन। साथियों असीं पिछले दिन ही कुछ नौजवान वीरां नूं इह सवाल कीते कि चाचा अजीत सिंह जी कौन सन, पर त्रासदी दी गल इह है कि उन्हां वीरां नूं इह नहीं सी पता कि चाचा अजीत सिंह कौन सन। साथियों अज सानूं जागण दी लोड़ है, अज सानूं उठण दी लोड़ है, क्योंकि सरकारां अज आपां नूं दिन प्रतिदिन लुट्टण ते तुलियां होईआं ने। विरसा लाइव टीवी देखने वाले सारे दर्शकों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। गुरसेवक सिंह जिसकी कि उम्र महज 12 साल की है, तो इन्नी छोटी उम्र के अपनी बेबाक बयानबाजी करके सोशल मीडिया से छाया होया है, तो उसनों दुनिया छोटा भगत सिंह भी कहन लगी है। उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिस दे विचों चाचा अजीत सिंह बारे दस रहा है, जो कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह के चाचा जी सन। उसने चाचा अजीत सिंह की उदाहरण देंदे हुए पंजाब की जनता को अपील की है कि पंजाब दे विच हुण ऐसा समा आ गया है कि सरकारां पंजाब नूं लुट्टन लगियां हन, अजिहे विच सानूं जागण दी लोड़ है ते पंजाब दे हक्कां दे लई लड़न दी लोड़ है। होर की कहा है गुरसेवक सिंह ने, तुसीं भी देखो ये वीडियो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। साथियों जिवें कि तुसीं जानदे ही हो, आपां आए दिन एक नवी तो नवी वीडियो ताले नाल लैके ताडे सन्मुख होईदा है, जिहड़ियां समाज दे विच माड़ियां कृतियां वापर रहियां ने इस दे संबंधी। सो क्योंकि हुण गर्मी बहुत सी तां करके जिहड़ियां हले वीडियो नाटक वगैरह वा स्टॉप कीते आ, ते थोड़े जल्दी तुहानूं नाटक वगैरह वी जिहड़े आ ताडे सामणे आउणगे नवें। इस दे नाल ही वीरो अज आपां गल्लबात करन जा रहे हां चाचा अजीत सिंह जी दे बारे, इतिहास दे कुछ अनमोल तत्थां दे उत्ते गल्लबात करांगे, अनमोल पन्ने जिहड़े असीं खोज के ताडे अगे लै के आंदे ने उहनां दे उत्ते अज आपां गल्लबात करदे हां। अज आपां गल्लबात करांगे चाचा अजीत सिंह जी दे बारे, जो कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दे चाचा जी सन। साथियों असीं पिछले दिन ही कुछ नौजवान वीरां नूं इह सवाल कीते कि चाचा अजीत सिंह जी कौन सन, पर त्रासदी दी गल इह है कि उहनां वीरां नूं इह नहीं सी पता कि चाचा अजीत सिंह कौन सन। सो वीरो चाचा अजीत सिंह शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दे चाचा जी सन, मैं पहलां वी दस चुकिया वां। साथियों अज सानूं जागण दी लोड़ है, अज सानूं उठण दी लोड़ है, क्योंकि सरकारां अज आपां नूं दिन प्रतिदिन लुट्टण ते तुलियां होईआं वां। याद रखो चाचा अजीत सिंह जी 35 साल देश दी आजादी लई देश तों बाहर रहे, विदेशां दे विच्चों उह चंदा इकट्ठा करके इधर गदर पार्टी जां होर जिहड़े कई क्रांतिकारी वीर सन नौजवान साथियों नूं भेजदे सन तां जो उह इत्थे इनकलाब दी लहर नूं मजबूत कर सकण। इसलिए साथियों जदों जून दे विच चाचा अजीत सिंह जी साडे देश वापस आउंदे ने लाहौर दे विच, ते उह क्योंकि बीमार बहुत ज़्यादा सन तां उहनां नूं रैफर कर दिता गया डहलोजी दे एक होस्पिटल दे विच, उहनां नूं रैफर कर दिता जांदा है। उस तो बाद चाचा अजीत सिंह जी दी जिहड़ी धर्मपत्नी है उहनां दे कोल बैठी हुंदी है, ते उहनां नूं कहिंदी है कि सरदार जी तुसीं कहा सी परसों आ जावांगे, लेकिन बरसों नहीं आए। तो याद रखो उस समय चाचा अजीत सिंह जी ने यह गल कही कि पप्पा ते बब्बा कोई बहुता फर्क नहीं है, परसों ते बरसों उर्दू दे लफ्ज़ ने कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इस तो बाद उन्हां दी सरदारनी लागे बैठी उन्होंने वे कहती है कि कल 15 अगस्त नूं देश आज़ाद हो जाना है, ते ताडी अखां दे विच खुशी क्यों आउणी है, ताडे चेहरे ते मुस्कुराहट क्यों आउणी है। तो याद रखो उस समय चाचा अजीत सिंह ने यह गल कही कि अज मेरे देश के दो टुकड़े होण जा रहे ने, अज एक हिंदुस्तान ते एक पाकिस्तान बनन जा रहा है, अज लहिंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब बनन जा रहा है। इस तो वड्डी त्रासदी दी होर कोई गल नहीं हो सकती। अज मेरा देश नहरू ते जिन्हां दी साजी दा शिकार होण जा रहा है, क्योंकि याद रखना देश की आज़ादी लई नहरू भी लड़िया, पटेल भी लड़िया, गांधी भी लड़िया, ते दूसरे बन्ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी भी लड़े, बाबा सोहण सिंह भगणा गदरी, बाबे करतार सिंह सराभा जी वर्गे भी लड़े, सरदार ऊधम सिंह जी वर्गे भी लड़े। मैं जे इन्हां दे नाम लैण लग पाँ तां लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, पर गांधी होनी किस लिए लड़े, नहरू होनी किस लिए लड़े,
कि असी देश दियां राज गद्दियां दे बह जाइए। ते होया भी एवें, ते शहीदे अजम सरदार भगत सिंह जी होनी क्यों लड़े कि साड़ी आम ते आवाम जनता नूं उन्हां दे हक मिलन, असी इन्ना साड़ा जिहड़ा देश गुलाम है ये आजाद हो जावे। पर होया इस तों उल्ट, उत्थे साम्राज्यवाद ने कब्जा करके बह गया। साम्राज्यवाद गद्दियां दे उत्ते नहरू होनी जो चाहते सन वह हो गया। तो दूसरे बन्ने शहीद अजम सरदार भगत सिंह जी दे वारस कोई भी अज कोई भी वीर हाथ खड़ा करके कह सकदा कमेंट दे विच दस दवे कि जिहड़ा फलाना देश भगत सी उहदे बच्चे मिनिस्टर बने, MP बने, PM बने, CM बने, क्योंकि वह आम ते आवाम लोकां दी गल सुनना चाहुंदे सन। वह राज गद्दियां लई नहीं सी लड़े। चाचा अजीत सिंह ने यह नारा दिता सी, पगड़ी संभालियो जट्टा पगड़ी संभालियो, तेरा लुटिया गया ई मालियो, तेरा लुटिया गया ई मालियो। सो वीरो किसान वीरां नूं इहो बेनती आ भी अज जे सरकारां झूठ बोलदियां वा ते आपां पग्गां नूं अपने गलां दे विच पा के ते फाह ना लईए, सगों इहनां सरकारां दे खिलाफ आपां विरुद्ध लड़ीए। आपां बुजदली दी मौत ना मरीए, जे मरना वा तो इन्हां सरकारां दे गल आ के मरीए, संघर्ष करके मरीए। सो वीरो मैं आप सब का प्यारा गुरसेवक सिंह गिल ते पिंड जौणे केस दे नाल ही मुल्तान सिंह साढ़े वीर किड़ियां तो, इस दे नाल ही हाकम सिंह जिहड़े साढ़े वीर आ उह वी किड़ियां तो साढ़े नाल इत्थे सन, इसलिए अज असीं ज़्यादा साथी ना हो के 3 साथियां ने अज जिहड़ा तुहानूं संबोधन इत्थे दस्सिया वा कि अज किहो जी स्थिति बनी हुई आ। अज आपां नूं लड़न दी लोड़ आ, इकट्ठे हो के इन्हां सरकारां नूं मूँह तोड़वां जवाब देण दी लोड़ आ। सो साथियो जे किसे वीर ने साढ़े नाल संपर्क करना होवे तां साडा मोबाइल नंबर है 8968574493। सो वीरो एक बारी फिर रिपीट कर देवां 8968574493। सो वीरो साडा फेसबुक दा जिहड़ा पेज है वो गुरसेवक सिंह गिल दे नाँ ते साडा पेज है, जिथे साडी सारी टीम दे जिहड़े नाटक वगैरह वा वो तुहानूं मिल जाणगे। गुरसेवक सिंह गिल दे नाँ ते साडा इह पेज है फेसबुक दा। सो वीरो धन्नवाद, जे वीडियो वधिया लगी तां दब के शेयर करियो तां जो होर वीरां नूं वी इस गल दा पता लग सके कि जिहड़े इह माड़ियां सरकारां ने, लोटू सरकारां ने, इह अज साडे नाल की वर्तारा कर रहियां ने। धन्नवाद साथियों। इनकलाब इनकलाब।